राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारधारा को थामे मुलायम सिंह यादव ने सियासत में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। यूपी की राजनीतिक अखाड़े के मंझे हुए खिलाड़ी रहे मुलायम सिंह यादव ने एक से बड़े एक सियासी धुरंधरों को मात देकर सियासी बुलंदियों को छुआ, लेकिन बसपा संस्थापक कांशीराम से पार नहीं पा सके। एक दफा कांशीराम से मिलने के लिए मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री रहते हुए 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। मुलायम सिंह यादव अपनी समाजवादी पार्टी का गठन कर चुके थे। बाबरी विध्वंस के चलते बीजेपी के पक्ष में सियासी हवा चल रही थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन मुलायम सिंह ने बसपा के कांशीराम को साथ ले लिया। 1993 के विधानसभा चुनाव में कांशीराम और मुलायम ने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और मुलायम सिंह के इस मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी नतीजों पर भी दिखा। चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था, रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नारा था, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन को 176 सीटें मिली और बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। मुलायम सिंह ने अन्य छोटे दलों को साथ मिलाकर सरकार बना ली। सरकार तो बन गई, लेकिन मनमुटाव चलता रहा। कुछ दिनों बाद कांशीराम ने भी मुलायम सिंह यादव की अवहेलना करनी शुरू कर दी। इसके बाद हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद बसपा ने सपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और मायावती बीजेपी के समर्थन से 1995 में पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।